हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिनांक हुई है। दस बीस। बहुत ही अच्छा दिन है आज। दस बीस कक्षा रियर सेकेंड ईयर। गणित गणित प्रयोगशाला के उद्देश्य, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गणित प्रयोगशाला के क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है जो इस उन्हें कि विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय पर या स्कूल स्तर पर हम गणित प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं या गणित प्रयोगशाला का स्थापित करते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि विद्यार्थी विद्यार्थी मूर्त वस्तुओं की सहायता से गणित सीखने तथा दैनिक जीवन से गणित के संबंध संबंध को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा है कि विद्यालय विद्यार्थी मॉडलों मापन कागज तोड़ने आदि अत्याचार के द्वारा कुछ ज्यामितीय गुणों का अध्ययन का सत्यापन या उनकी खोज करने में समर्थ हो सके। यानी विद्यार्थी विद्यार्थी मॉडलों कागज काटने व कागज मोड़ने इत्यादि के द्वारा कुछ ज्यामितीय गुणों का सत्यापन करते हैं। तीसरा है विद्यार्थी कुछ समस्या हल करने में विभिन्न सारणियों और गुणनफलों का प्रयोग करने में समर्थ हो सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की सारणियों को
करने में समर्थ हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। देखो आप इसके गणित प्रयोगशाला के हम उद्देश्य का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थी कंप्यूटर व कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए अलग खींचने में समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थी कंप्यूटर व कैलकुलेटर में आलेख खींचने में समर्थ हो जाते हैं। पांचवा है, विद्यार्थी प्रयोगशाला में रखे यंत्रों उपकरणों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी प्रयोगशाला में रखे उपकरणों का रखाव करना सीख जाते हैं। छठा है, विद्यार्थी कुछ प्रयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थी कुछ प्रयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थी गणित के खेल को प्रयोगशाला में तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थी गणितीय खेल को प्रयोगशाला में तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके बाद में आता है, विद्यार्थी शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन से समझने लग जाते हैं। मतलब उनका शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन लेकर वो सीखने लग जाते हैं। विद्यार्थी गणित में कुछ मनोरंजक क्रियाकलाप में समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थी प्रयोगशाला में मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से गतिविधियों के माध्यम से सीखने लग जाते हैं। यानी इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दसवां है कि विद्यार्थी व शिक्षक मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी जो मुख्य विषय होते हैं उन मुख्य विषयों में चर्चा करना सीख जाते हैं। तो ये थे आपके गणित प्रयोगशाला के
उद्देश्य है, मतलब गणित प्रयोगशाला का रखने का क्या औचित्य है, गणित प्रयोगशाला के प्रयोगशाला से किन उद्देश्य की पूर्ति होती है, उन बातों को ध्यान रखा जाता है। एक बार आप देख लो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है इसका। अगला विषय हम अगले वीडियो में लेके पेश होंगे। धन्यवाद।